चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सत्ता के लिए बीजेपी मणिपुर क्या पूरे देश को जला देगी? इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी अपने फायदे के लिए लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है। पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की जारी। 8.5 करोड़ लोगों के खातों में भेजे 18,000 करोड़। यूरिया गोल्ड भी हुआ लॉन्च। ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट में हुई सुनवाई। 3 अगस्त को आएगा अदालत का फैसला। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला बड़ा हमला। कहा, काले कपड़ों वालों का आज भी काला और भविष्य भी काला। मणिपुर में राहुल गांधी ने लगाई आग। राज्यसभा में दिखा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रौद्र रूप। कांग्रेस पर जमकर बरसी। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। अब आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर होगा। रोड एक्सीडेंट में पीड़ितों की जान बचाने वाले को मिलेंगे 5,000 रुपए। पंजाब की मान सरकार लागू करने जा रही स्कीम। संसद में मोदी मोदी के नारों के जवाब में विपक्षी सांसदों ने लगाए इंडिया इंडिया के नारे। भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा। कहा, अगर बीजेपी जीती तो कोई भी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान को नहीं बचा सकता। इंडिया गठबंधन का एक और सियासी दाव। 29 और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर जाएंगे विपक्षी सांसद। इंडिया नाम रखने से यूपीए के कुकर्म नहीं छुपेंगे। राजस्थान में लाल डायरी और विपक्षी एकता पर पीएम मोदी ने बोला हमला। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में दिया अंग्रेजों को करारा जवाब। बोले, अब कोहिनूर हीरा लेकर ही वापस आएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू मलेरिया और टाइफाइड के मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री के शिखर प्रोग्राम में गहलोत और पीएमओ के बीच बवाल। गहलोत ने कहा, पीएम मोदी ने प्रोग्राम से मेरा भाषण हटाया तो पीएमओ ने कहा, गहलोत जी आपने ही प्रोग्राम में आने से मना किया था। दिल्ली वालों को डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत मिलेगा बड़ा तोहफा। 58 और सेवाओं को जोड़ने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। मणिपुर में लागू हो अनुच्छेद 355 और 356। सीएम को तुरंत करे बर्खास्त। आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। क्रेडिट कार्ड से लेकर आईटीआर तक 1 अगस्त से होने जा रहे कई बड़े बदलाव। सीधा आपकी जेब पर होगा असर। ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, हिंदू मंदिरों की भी हो जांच। बोध मठों को तोड़कर बने। मणिपुर में क्या हो रहा सरकार को सब पता है। आप सांसद संजय सिंह से मिलने के बाद बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जंगल सफारी के लिए पुरानी जिप्सी होगी बंद। रणथंभौर समेत देश भर के सभी टाइगर रिजर्व को अब जल्द मिलेगी नई गाड़ियां। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री को लाल डायरी की बजाय लाल टमाटर और लाल सिलेंडर की बात करनी चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ का कहर। 50,000 एकड़ फसल हुई बर्बाद। करोड़ों का हुआ नुकसान। भारत पाकिस्तान के लोगों में दोनों तरफ से है बराबर प्यार। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बोले, राजनीति की वजह से पैदा होती है नफरत। मणिपुर की घटना को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बरार को किया अरेस्ट। यूएई से लाया गया भारत। जम्मू कश्मीर में रचा गया नया इतिहास। 3 दशक बाद श्रीनगर में शांतिपूर्ण निकला मुहर्रम का जुलूस। उत्पादन पर संकट के कारण गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर लगा प्रतिबंध। अगली फसल तक जारी रह सकती है रोक। दिल्ली में बारिश से बड़ा खतरा। यमुना का जल स्तर 205.5 के पार। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक बारिश की जताई आशंका। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने किया चमत्कार। 9 घंटे की सर्जरी के बाद पेट सीने से जुड़ी जुड़वा बहनों को किया अलग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बसपा ने ठोकी ताल। 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। सचिन हुआ हनी ट्रैप का शिकार। पबजी में मरियम की आईडी साजिश का सहयोग। सीमा हेगर की लव स्टोरी पर जांच एजेंसियों को शक। देश में पिछले 6 दशक में लाए गए 28 अविश्वास प्रस्ताव। सर्वाधिक 15 इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यक्रम 15 सितंबर तक बढ़ाए। केंद्र सरकार को दी बड़ी राहत।
जुलाई के महीने में टूटा बारिश का रिकॉर्ड। गुजरात में सामान्य से 90% और दिल्ली में 45% से ज्यादा हुई बारिश। मुंबई में रेड अलर्ट। कर्नाटक में टूटा तबाही का पहाड़। बारिश से अब तक गई 38 लोगों की जान, सैकड़ों जानवरों की भी मौत। भारत एक सम्मानित देश है, मैं शर्मिंदा हूँ और सरकार से माफी मांगता हूँ। अपने दोस्त से मिले पाकिस्तान गई अंजू के पिता ने बेटी को लेकर व्यक्त की निराशा। अहंकारी हो गई है पंजाब सरकार। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़। पहले बुर्का पहनो तभी मिलेगी बस में एंट्री। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक बस ड्राइवर ने रखी छात्राओं के सामने तालिबानी सर। जब कोई बदमाशी करेगा पुलिस लाठीचार्ज तो करेगी। बिहार के कटिहार में पुलिस फायरिंग में 2 युवकों की मौत पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का अजीब बयान। आज से राजस्थान के सभी जिलों से 4000 लोगों को धार्मिक यात्रा पर भेजेगी गहलोत सरकार। कुछ पशुपतिनाथ मंदिर तो कुछ जाएंगे रामेश्वरम। मणिपुर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा वह आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर के चूरा चांदपुर जिले में फिर भड़की हिंसा। कांग्रेस ने राज्यपाल से की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की मांग। योगी सरकार यूपी के 1,00,000 लोगों को देगी रोजगार। राज्य में लगाई जाएगी 12,000 औद्योगिक इकाइयां। टमाटर सस्ता होने में लगेंगे 2 और महीने। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में भाव 140 रुपए किलो, रेट 2100% तक बढ़े। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद। 5,000 हेक्टेयर में फैला होगा समागम। मणिपुर वायरल वीडियो की सीबीआई करेगी जांच। गृह मंत्रालय का फैसला। 35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। पीएम मोदी के दावे पर एसबीआई ने लगाई मुहर। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। गजब की है एलन मस्क की दादागिरी। जबरदस्ती कब्जा है। @x हैंडल हमेशा के लिए बंद हुआ ट्विटर। तिरंगा कलर और लेजर लाइट की रोशनी से जगमगा उठा भारत मंडपम। देखे शानदार वीडियो। पीएम मोदी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता। महाभर में बढ़े 7,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। इस सूची में मिला 5वां स्थान। खाद्य तेल की कीमतें 1 साल के निचले स्तर पर। आम लोगों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी।